नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में जो कि शुरू हो रहा है एक खूबसूरत पहाड़ों में बसे गांव मलाणा से। एक नाम जो पुराने समय की गूंज को अपने में समेटे हुए और आज हमें ले जा रहा है एक खूबसूरत से सफर, एक शानदार ट्रिप पर। आज हम चलेंगे कुछ अनजानी राहों पर, रात के अंधेरे में मलाणा की जो खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर करेंगे और जो यहाँ के भीड़ के अलग अलग टेस्ट हैं, अनोखे स्वाद हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मलाणा तक पहुँचने के लिए खूबसूरत से रास्तों को आपको तय करना पड़ता है और ये एक छोटी सी जर्नी है जो कि शुरू होती है जरी से। कुछ घुमावदार रास्ते आपको मिलते हैं और आपको समय में कुछ पीछे लेके चले जाते हैं और पहुंचाते हैं आपको मलाणा के द्वार तक। मलाणा के जो लोग हैं वो प्रकृति और परंपरा की ताल पर अपना जो जीवन है उसको गुजारते हैं। उनका दिन जो स्ट्रगल के साथ स्टार्ट होता है और एक सिंपलिसिटी के साथ जाके खत्म हो जाता है, बहुत ही शानदार देखने लायक होता है। बाकी पहाड़ियों से सदियों से चले आ रहे जो ट्रेडिशनल है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की जो जिंदगी है वो पुरानी नदियों की तरह है, एकदम शांत और एक ही लय में बहती हुई। तो घरों की जो रोशनी झगमगाती है रात में, वो लगता है जैसे मलाणा के दिल में बसी एक गर्माहट सी हो। और दोस्तों, सच बोलूं तो पहाड़ों की सादगी में ये जो मेहमान नवाजी है और ऐसे जंगलों के बीच में बहुत ही सुकून और आरामदायक होती है। और दोस्तों, अब फाइनली पेश करते हैं मलाणा, जिसके लिए ये फेमस है, मलाणा क्रीम्स के लिए, यहाँ के हैश ऑयल्स के लिए और वैरायटीज ऑफ वीट्स जो यहाँ पे उगाई जाती है, क्वालिटी ऑफ वीट्स जो यहाँ पे उगाई जाती है ये आपके सामने है। और हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी की जो चलती है यहाँ की जमीन से, जानवरों से, खेती से। और हाँ, जो खास है यहाँ का वो है मशहूर ग्रीन गोल्ड। वैसे दोस्तों, मलाणा जो है वो हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा एक बहुत ही सुंदर और अलग थलग सा गांव है जो जाना जाता है अपनी नायाब संस्कृति, अलग से रीति रिवाजों और दुनिया से अलग एकदम साइड में कटे रहने के लिए। तो इस गांव में क्या सीन है, अगर आपको कुछ भी सामान लेना है तो वो आपको पैसा जमीन में रखना है और उसके बाद लेना है, या तो फिर आप यहाँ के लोकल हो। जैसे अभी मेरे साथ गाइड थे, पॉटर थे लोकल यहाँ के, तो वो सामने गए हैं शॉप में सामान लेने, वरना बाहर के बंदों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी चीज़ को टच करना या कुछ भी सामान लेना। मलाणा की जो दोस्तों सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ये खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट का वंशज मानते हैं। 326 BC में एक बैटल हुआ था जिसमें अलेक्जेंडर की सेना से कुछ सैनिक अलग हो गए थे जिन्होंने मलाणा में शरण ली और वहीं से ये आगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते गए। हालांकि दोस्तों, BBC की रिपोर्ट के अनुसार माने और मैंने कुछ रिसर्च की तो इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले मुझे, मलाणा के लोगों का फिजिकल अपेयरेंस जो है इस क्षेत्र की दूसरी जनजातियों से बिल्कुल अलग है। वो कड़सी नाम की एक अनोखी भाषा बोलते हैं जिसे दुनिया में किसी और जगह नहीं बोला जाता और किसी और भाषा से संबंध भी नहीं है इसका। मलाणा का जो भविष्य है दोस्तों, वैसे तो वो अनिश्चित है। जंगलों की कटाई हो गई, इसमें क्लाइमेट चेंज हो गया और बाहर की दुनिया का जो दखल है और जो चुनौतियां हैं वो भी गांव के सामने आती हैं। फिर भी अगर मैं कहूँ, गांव के जो बाशिंदे हैं वो अपनी अलग जीवन शैली को बचाने में आज भी लगे हुए हैं। वैसे तो गाँव जो है नेचर की बदलती चादर के साथ हर समय देखने लायक होता है, फिर भी अगर मैं आपको बेस्ट टाइम बताऊँ तो मई से जो अगस्त का टाइम रहता है वो काफ़ी हरियाली भरा रहता है, तो आप उस टाइम पे विजिट कर सकते हैं यहाँ का प्लान अगर आपको देखना है। और ब्यूटी जो है उस टाइम वो देखने लायक रहती है यहाँ पे। फाइनली इट्स टाइम टू रैप अप गाइस, और हमारे साथ इस अनोखे सफर में आने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।